जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य। कभी अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस और मुफ्ति परिवार का राज देखने वाला यह राज्य आज इस मुहाने पर खड़ा है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़े राजनीतिक दाव देखने को मिलेंगे। साथ ही जनता का भी राजनीतिक मूड चौंकाने वाला हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य का विश्लेषण देखने से पहले हमारे चैनल पॉलिटिकल पंडित को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यपाल मलिक ने JNK विधानसभा को भंग कर दिया है, उसके साथ ही फिर से सरकार बनाने की सारी अटकलें खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जैसे कि एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन करके आने वाला चुनाव लड़े। दो, BJP और उनके सहयोगी घाटी में अच्छी खासी सीटें जीते। तीन, राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अराजक और अलगाववादी तत्वों का खुलकर साथ दे। चार, अलगाववादी तत्वों से त्रस्त होकर जनता खुलकर उनके विरोध में आ जाए। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, उसके कारण क्या है? केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद आर्मी कड़े हाथों से टेररिस्ट और उनके समर्थकों को निपट रही है, जिसकी बौखलाहट में टेररिस्ट कश्मीरी पुलिस जवान कश्मीरी जनता को भी निशाना बना रहा है। फलस्वरूप कश्मीर के समझदार लोग अब अलगाववादी नेताओं के विरुद्ध में स्वर बुलंद कर रहे हैं। दूसरी ओर BJP-PDP सरकार जाने के बाद राज्य की स्वायत्ता बचाने के नाम पर विरोध स्वरूप PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थानीय स्वराज और पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था। नतीजन श्रीनगर और अन्य शहर में BJP और उनके समर्थित चुनाव जीत गए और पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, जिससे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दाव उल्टा पड़ गया, जिसने सोचा था कि पंचायत चुनाव में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अंततः PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने घाटी में BJP के पैर ना पसरे, उसके लिए सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी। तो दूसरी ओर सज्जाद लोन के BJP के समर्थन से सरकार बनाने का अनुमान होने लगा। इस बीच PDP के संस्थापकों में से एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग खुलकर सज्जाद लोन के समर्थन में आ गए। उसने दोनों पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सज्जाद लोन के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक होने की खबरें आई और आखिरकार विधानसभा भंग हो गई। यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि सज्जाद लोन घाटी में उभरता नया नाम है, जिनको BJP समर्थक माना जाता है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में BJP और सज्जाद लोन मिलकर घाटी में ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करेंगे।